हल दे के आज समझाना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सी माई डियर चिल्ड्रन, व्हाट्स दिस? दिस इज अ फिग। फिग मीन्स इंजीर। दिस इज अ फिग, इट्स नियर टू मी, ये मेरे नज़दीक है, इसीलिए मैंने दिस का इस्तेमाल किया। एंड दैट्स अ लीफ, दैट्स अ लीफ, वो एक पत्ता है, वो मीन्स दैट, वहाँ ये मुझसे दूर है, इसीलिए मैंने दैट का इस्तेमाल किया, दैट्स अ लीफ। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सी, दिस इज अ फ्लावर, व्हाट्स दिस? दिस इज अ फ्लावर, इट्स आल्सो नियर टू मी, ये भी मेरे नज़दीक है। एंड दैट्स अ फ्लावर वास, दैट्स अ फ्लावर वास, वो एक गुलदान है, दैट मीन्स वो दूर है मुझसे, दैट्स अ फ्लावर वास। अंडरस्टूड? गुड। दिस इज अ कप, व्हाट्स दिस? दिस इज अ कप, ये भी मेरे नज़दीक है, इसलिए मैंने दिस का इस्तेमाल किया। एंड दैट्स अ सॉसर, व्हाट्स दैट? दैट्स अ सॉसर, वो प्लेट मेरे से दूर है, इसीलिए मैंने दैट का इस्तेमाल किया। माई डियर चिल्ड्रन, आर यू गेटिंग मी? नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। दिस इज अ पियर, व्हाट्स दिस? दिस इज अ पियर, नाशपाती, इट्स ऑल्सो नियर टू मी, ये भी मेरे नज़दीक है, बिल्कुल मेरे सामने है। दैट्स एन एप्पल, दैट्स एन एप्पल, वो एक सेब है, दैट्स एन एप्पल। तो बच्चों, अब मैं आपको बोलूँगी कि दिस और दैट जो है, दिस वी यूज टू टॉक अबाउट अ थिंग दैट इज नियर टू अस। दिस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे बिल्कुल नज़दीक हो, उस वक्त हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट is used to talk about a thing that is far from us. Far means दूर, जो चीज़ हमसे दूर हो उसके लिए हम that का इस्तेमाल करते हैं। My dear students, hope you will enjoy this video and try to understand. Thanks. Good luck.